देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। यूपी के गाजियाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी में जोरदार हंगामा हुआ। सोसाइटी में जबरदस्ती घुसने के लिए एक आदमी ने गार्ड की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आदमी गार्ड को थप्पड़ मारता नजर आ रहा है। कुछ देर बाद मौके पर एक महिला पहुंची और फिर उसने मामला शांत करवाया। वहीं वीडियो के आधार पर पुलिस ने गार्ड को पीटने वाले आदमी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों को पीटते नजर आ रहे हैं। दावा किया गया कि गाड़ी चालक ने टोल देने से इनकार किया था, जिसके बाद टोल कर्मचारी और गाड़ी चालक के बीच झड़प हो गई। वहीं घटना के कुछ देर बाद टोल प्लाजा पर कुछ और लोग पहुंचे और टोल कर्मचारी से मारपीट करने लगे। पंजाब के गुरदासपुर में गैंगस्टर को गिरफ्तार करने के लिए ड्रोन का सहारा लिया गया। ड्रोन की मदद से गैंगस्टर की लोकेशन देखी गई, फिर घेरेबंदी कर गैंगस्टर की गिरफ्तारी की गई। इस मुठभेड़ के दौरान गांव के लोगों से घर के अंदर रहने की अपील की गई थी। 8 अक्टूबर को मुठभेड़ हुई थी, जिसका ड्रोन वीडियो अब सामने आया है। बिहार के बेगूसराय में गोलियों की आवाज से अफरा तफरी मच गई। हथियार लहराते हुए कुछ बदमाश इलाके में घुसे और फायरिंग शुरू कर दी और कुछ ही देर में एक लड़के पर गोली चलाकर मौके से फरार हो गए। फायरिंग में लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस वारदात के बाद इलाके में दहशत मची है। यूपी के अलीगढ़ में पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया। टैंकर के पलटते ही सड़क किनारे गड्ढे में पेट्रोल फैल गया, जिसे लूटने के लिए लोगों के बीच होड़ मच गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोग डब्बे और बर्तनों में पेट्रोल भरने लगे। बताया गया कि पेट्रोल से भरे टैंकर को एक आदमी ड्राइवर और हेल्पर की नजर से बचाकर लेकर भाग रहा था, तभी उससे टैंकर पलट गया, जिसके बाद आदमी भी मौके से फरार हो गया। यूपी के आगरा में कुछ लोगों ने पुलिस चौकी के सामने शव रखकर सड़क जाम कर दिया। दरअसल सड़क हादसे में एक लड़की की मौत हो गई थी, जिससे भड़के लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और हंगामा किया। पुलिस के आलाधिकारी के आश्वासन के बाद ये जाम खुलवाया गया। यूपी के देवरिया में घाघरा नदी में आया उफान कहर बरपा रहा है, जिसमें 36 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। घर से लेकर सड़क तक सब दरिया में तब्दील हो चुके हैं। वहीं लोग खाने पीने की समस्या से जूझने को मजबूर हैं। लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है और प्रशासन से बाढ़ पीड़ित की मदद करने की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश के मऊ में लगातार हुई बारिश के बाद सरयू नदी में आए उफान से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कई दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं और लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तस्वीरों में कुछ लोग एक बीमार आदमी को टोकरी के आकार की किसी चीज पर बिठाकर सैलाब के बीच से निकालते दिखे, तो वहीं कई इलाकों में लोग खुद ही नाव के सहारे गाँव से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित जगहों तक पहुँचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लगातार हुई बारिश की वजह से हालात बदतर नजर आ रहे हैं। गांव में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया, जहां पूरा गांव ही बाढ़ के पानी की चपेट में है। गांव में लोगों के घरों में कई फीट तक पानी घुस चुका है, तो वहीं लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन कर चुके हैं, जबकि जिले के कई गाँव इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। घर, खेत, खलिहान सब पानी में डूब गए। घरों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घरों में पानी भरने की वजह से वहां रखा सामान भी भीग कर खराब हो गया है। बाढ़ से परेशान लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बची है। वहीं खेत डूबने की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। बिहार के समस्तीपुर में सड़क बनवाने की मांग पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोग बीच सड़क पर गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं सड़क से गुजरने वाले राहगीर भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। आरोप है कि प्रशासन की ओर से खराब सड़क को बनवाने का सिर्फ भरोसा दिलाया गया। कर्नाटक के हासन में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। टेम्पो ट्रैवलर और कंटेनर आमने सामने से टकरा गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि टेम्पो ट्रैवलर में सवार लोग सुब्रमण्यम और हसनंबा मंदिर के दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। बिहार के कटिहार में नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इस नाव में 9 लोग सवार थे। हादसे के बाद गोताखोरों ने 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया, जबकि 7 लोग अभी भी लापता हैं, जिसमें 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 7 लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू टीम को लगाया गया है। बताया जा रहा है कि नाव में सवार कुछ लोग दूसरे इलाके से मजदूरी करके लौट रहे थे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक तेज रफ्तार कंटेनर पलट गया और कुछ ही देर में आग की लपटों में घिर गया। आग लगने के बाद ड्राइवर और कंडक्टर ने किसी तरह अपनी जान बचाई। कंटेनर में निजी कंपनी का सामान रखा था, जो आग में जलकर राख हो गया। जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और फिर आग की लपटों पर काबू पाया गया।
देश भर के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को राष्ट्र को समर्पित किया, जिससे अकाउंट खुलवाने, पासबुक प्रिंट करवाने, एफडी में निवेश करने जैसे कामों के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में डिजिटल बैंकिंग एक और बड़ा कदम है। देश में पहली बार MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस कोर्स को लॉन्च करेंगे। इस ऐतिहासिक दिन के लिए भोपाल का लाल परेड मैदान पूरी तरह से सज चुका है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां ये कदम उठाया गया। यूपी में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करवाने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक जारी है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बैठक की शुरुआत की। 4 दिनों तक होने वाली इस बैठक में 45 प्रांतों के 378 शीर्ष पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। मीटिंग में देश में जनसंख्या में बढ़ रहे असंतुलन, महिला सहभाग को बढ़ाए जाने सहित समाज के सभी वर्गों से संवाद स्थापित करने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिए जाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। बीजिंग में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक जारी है। इस बैठक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरी बार कार्यकाल सौंपने पर मुहर लग सकती है। शी जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल मिलना तय बताया जा रहा है। बैठक में जिनपिंग ने ताइवान में दूसरे देशों के दखल देने पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि ताइवान में विदेशी ताकतों का दखल है। साथ ही शी जिनपिंग ने अपने भाषण में कहा कि हांगकांग में अराजकता थी जहां शासन की व्यवस्था की गई है। तुर्की के इस्तांबुल शहर में एक ऊंची इमारत में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही थी, जबकि उससे उठने वाला काला धुआं चारों तरफ फैलता नजर आया। रात में लगी आग को देखकर शहर के लोग हैरान रह गए। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग के भीषण होने की वजह से उस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। इमारत में आग किस वजह से लगी इसका भी अभी तक पता नहीं चल सका। ईरान के तेहरान की कुख्यात एवन जेल में आग लगने के बाद भी हिंसा भड़क गई है। जेल में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें काफी दूर से दिखाई पड़ रही थी, जबकि उससे उठने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैल गया। इस दौरान जेल से गोलीबारी और सायरन की भी दूर दूर तक आवाज सुनाई। अब सीधे रुक कर लेते हैं इस वक्त मिल रही बड़ी खबर का, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी। अब ये बड़ी खबर आ रही है, अब इस जंग में ईरान की एंट्री हो गई है। ईरान अब रूस की सेना को अपने ड्रोन शाहिद 136 को चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। ईरान का ये वही ड्रोन है जिसे लेकर दावा